बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति, मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, बहुत कम नेता हैं जो ये जमीन से जुड़ करके जब जनता की बदौलत अपनी राजनीति को एक लेवल तक लाते हैं तो अपने आप को ठीक वैसा ही रख पाते हैं और ठीक वैसे ही बात कह पाते हैं जैसा पहले वो कहा करते थे। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उन्हीं नेताओं में से एक हैं। चंद्रशेखर आजाद को जैसा आपने पहले देखा होगा, यकीन मानिए पहले की तरह वो अब भी वैसे ही हैं। जब मैं उनका इंटरव्यू करने के लिए उनके यहाँ पर गया तो इंटरव्यू के दौरान थोड़ा ब्रेक मिलने के बाद में वो जिस अंदाज में देखे उससे लगा चंद्रशेखर वाकई काशीराम के सिद्धांत पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और अपनी जीत के बारे में उन्होंने जो कहा उसे सुनकर कहेंगे ये नेता तो अब पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले। अभी हम क्यों कह रहे हैं, चलिए ज्यादा वक्त नहीं लगाते हुए जिस तस्वीर को हमने देखा उस तस्वीर को आपको दिखाते हैं। तस्वीर आपके सामने है। इंटरव्यू के दौरान चंद्रशेखर को जब ब्रेक मिला तो वो बस दो मिनट में बने नूडल खाने लगे। तस्वीर देख लीजिए, चंद्रशेखर मैगी खा रहे हैं। हम आपको कहेंगे इसमें खास बात क्या है। भाई, खास बात ये है कि जिस तरीके से हम और आप रहते हैं सांसद बनने के बाद भी अब भी उसी जिंदगी को चंद्रशेखर जी रहे हैं। बहुजनों के लिए बड़ा करने के लिए उनकी जिंदगी भी अब पहले ही की तरह है, उसमें रत्ती भर बदलाव नहीं हुआ। वरना आप में से कईयों ने देखा होगा सांसद बनने के बाद नेताओं की जिंदगी में कितनी चमक दमक आ जाती है। कई स्टाइलिश लाइफ आपने देखी होगी, घर में एंट्री मारते हैं एक अलग ही तरह की ऊपरी सजावट दिखने लगती है, खाने में तरह तरह के व्यंजन नजर आते हैं। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं। मगर चलिए चंद्रशेखर आजाद का एक बयान आपको सुनाते हैं जिसमें उनसे सवाल उनकी मेहनत को लेकर के किया तो इस पर उन्होंने जवाब दिया। यकीन मानिए उनके इस बयान से मुझे ऐसा लगा कि चंद्रशेखर की राजनीति अब पीछे मुड़ करके देखने वाली नहीं है। मैं मानता हूं कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, ये सब संगठन के जरिए होता है। वो सब लोग मेरे बुलाए पे नहीं, वो सब लोग भीमार में आजाद समाज पार्टी के बुलाए पे, और जो संगठन हमारा बूथ का, सेक्टर का, नगर का, विधानसभा का, जिले, मंडल, जोन, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की जो हमारी पार्टी की संगठन है, हमारी कोर कमेटी के लोग, हमारे तमाम प्रदेशों के लोग, हमारे जो साथी बूथ अध्यक्ष के बाद जो ग्राम अध्यक्ष, जो हमारा भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का संगठन है, ये उनकी संयुक्त शक्ति है। हम जब कुछ चीज़ तय करते हैं तो अकेला आदमी तय नहीं करता, पूरे संगठन के कोर कमेटी के लोग मीटिंग करके तय करते हैं। तो सुना आपने, चंद्रशेखर कह रहे हैं नगीना में उनकी जीत के लिए सबसे ज्यादा मेहनत जमीन पर उनके नेता से लेकर के कार्यकर्ताओं ने की, संगठन उनके पास नहीं होता तो उनकी जीत नगीना में नहीं हो पाती। उनके इस बयान से यह साबित होता है कि जमीन पर आजाद समाज पार्टी जनता के बीच में पॉपुलर बनाने के लिए वो बीएसपी संस्थापक काशीराम के सिद्धांत पर चल रही है पार्टी। जिस तरीके से काशीराम ताउम्र बहुजनों के लिए लड़े जिए, एक प्रख्यात नेता बनने के बाद भी जिस तरीके से काशीराम की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया, चंद्रशेखर भी उसी रास्ते पर चलते हुए दलित पॉलिटिक्स को एक नया रास्ता दिखा रहे हैं।